रेस्टोरेंट्स में मिलने वाला एक ब्लू कलर का ड्रिंक बहुत लोगों को पसंद है तो चलें किचन 123 में वही ड्रिंक ब्लू करसाओ बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो किचन 123 को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें और अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए तो सबसे पहले तो बहुत ही ज़रूरी है कि पुदीने के पत्ते ताज़ा हों मैंने ठंडे पानी में भिगो रखे हैं ताकि उनकी फ़्रेशनेस जो है वो कायम रहे देखिए कितने ग्रीन और ख़ूबसूरत लग रहे हैं इसी तरह हमें फ़्रेश लेम्स चाहिए अगर लेमन इस्तेमाल नहीं करने या अवेलेबल नहीं है तो आप लेमन स्कोश भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बॉटल की सूरत में मिलता है और इसके अलावा मेरे पास मौजूद है ये काला नमक और ये इस बॉटल के अंदर वो ब्लू फूड कलर मौजूद है लिक्विड फॉर्म में है और इसका बस चंद कतरों की सूरत में ही हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारा ड्रिंक ब्लू नहीं बल्कि ब्लैकिश सा लगने लगता है और यहाँ पे मेरी इस साइड पर प्याले में मौजूद है पिसी हुई चीनी आम चीनी को लेके ग्राइंडर में पीस के बारीक कर लिया तो पिसी हुई चीनी बन गई क्योंकि ठंडे ड्रिंक के अंदर जो चीनी है वो घुलती नहीं है तो इसलिए हमें पिसी हुई चीनी की जरूरत है इसके अलावा ये सफ़ेद रंग की कोल्ड ड्रिंक हमें चाहिए सोडा वाटर की बॉटल भी ले सकते हैं और ये वाली कोल्ड ड्रिंक जो हर जगह पे अवेलेबल है और आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं आपको पसंद है तो ये एक तरफ रखते हैं और सबसे पहले लेमन स्लाइसेस को काट लेते हैं सबसे बड़ा लेमन मेरे पास ये था तो मैंने सोचा कि इसके ऐसे गोल कतले राउंडल्स काट लेते हैं जो कि ग्लास में अच्छे लगेंगे और लेमन का जूस निकालने के लिए इसके अंदर डाल के जो हम जूस निकालेंगे और अब ये पुदीने के पत्ते एक दूसरे के ऊपर रख के हमने इनको बारीक काट लेना है जब दो क्लास बना रहे होते हैं तो हम ब्लेंडर के अंदर तो थोड़े से पत्तों को पीस नहीं सकते इसलिए कोशिश करते हैं कि इसी तरह से पीसे जाएं थोड़े से इस तरह से बारीक काटें काटने से पुदीने के पत्तों की खुशबू किचन वन ट्वेंटी थ्री में फैल रही है अब फूड कलर बनाने के लिए हमने ये करना है कि ये जो नीला रंग है इसका हमें हल्का नीला रंग चाहिए अगर ज़रा सा भी रंग तेज़ हो गया तो फिर आपका जो कोल्ड ड्रिंक का रंग है वो गहरा सा हो जाएगा वो खूबसूरत ब्लू कलर आपको नहीं मिलेगा तो उसके लिए कतरों की सूरत में हम जिस ग्लास के अंदर हमने सर्व करना है उसके अंदर हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे एक कतरा इसमें डाल के मिला लेते हैं देखिए कितना ज़्यादा गहरा रंग सिर्फ एक कतरे से बना है तो ग्लास के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके इस ब्लू कलर को ऐड करेंगे ग्लासेस सामने रखते हैं और इसमें ये चीज़ें ऐड करते हैं पुदीने के जो छः सात पत्ते मैंने इस तरह से बारीक बारी काट लिए ये दोनों ग्लासेस के अंदर चले जाएंगे सबसे नीचे अब इसमें मैं चीनी डालूंगी दो दो खाने के चम्मच ये पिसी हुई चीनी डालूंगी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नीला रंग है वो कोरोसाओ सिरप नहीं है क्रासाओ सिरप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो आपको आसानी से मिल जाए तो उसके अंदर ऑलरेडी मीठा मौजूद होता है वो मीठा सा ऐसे शीरा टाइप होता है इस गिलास में मैंने दो खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है अब दूसरे गिलास में डाल रही हूँ इसी तरह से नाप के खाने के चम्मच को ऐसे फ्लैट करके आपने डालना है भर भर के नहीं डालना एक एक चुटकी काला नमक इसमें डालूंगी बस एक चुटकी जितना एक में गुस्से में भी एक चुटकी जितना अब लीमू निचोड़ में एक एक लीम का जूस और इसके बाद आपने ये करना है कि यह सफ़ेद रंग वाली बोतल दोनों ग्लासों में डाल रही हूँ अभी तक रंग हमने ऐड नहीं किया ब्लू फूड कलर को ये जो ग्लास में मैंने बना के रखा हुआ है बहुत डार्क है इसी में से चम्मच की सूरत में मैं लूँगी और इसके अंदर ऐड करके देखूँगी कि अच्छे वाला हल्का ब्लू कलर बनाना है हमने ग्लासेस के अंदर पिसी भी चीनी थी इसलिए आसानी से मिक्स हो रही है ठंडे कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी पहले एक एक चमची जितना डालते हैं और मिक्स करते हैं पुदीने के पत्ते ऊपर तक आ गए हैं क्योंकि झाग जो है वो ऊपर तक आया था तो ये ज़रा सा क्लियर कर देते हैं और कोल्ड ड्रिंक से इसको पहले फिल करते हैं इसके बाद मज़ीद इसके कलर को एडजस्ट करते हैं कोल्ड ड्रिंक मेरी बिल्कुल अच्छी तरह ठंडी है ठंडी ना हो तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का तो कोई मज़ा नहीं है इसी तरह दोबारा ये जो सादा पानी में घोला हुआ ब्लू फूड कलर है ये इसके अंदर डालती हूँ अब खूबसूरत कलर बनना शुरू हो गया है लेकिन हमें इससे थोड़ा सा गहरा रंग चाहिए तो दो दो चमचियाँ छोटी वाली ये इसके अंदर डालती हूँ एक एक लेमन स्लाइस दोनों ग्लासेस के अंदर और ग्लासेस को भी मैं मजीद फुल कर देती हूँ क्योंकि झाग आ जाता है तो फिर दरमियान में कट लगा के लीमू के स्लाइसेस को ऐसे सजा दें तो देखा कितनी आसानी से घर में ब्लू कोरासाओ जबरदस्त ड्रिंक तैयार हो गया आप भी बनाएं और एंजॉय करें मैं कल आपसे मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ